सालो अपना जुर्म कबूल कर लो वरना इतना मारूंगा सात पूछते याद रखेंगे। मां कसम एकदम सच कह रहे हमने कुछ ना करो साहब। लो लो बात माँ बाप की कसमें खा रहे हैं ये भी नहीं पता कि मरे मरा है कि जिंदा। साहब साहब एक्सक्रीट मिलेगी क्या? साले तू ससुराल में टिकट मांग रहा है। शर्मा तो खाएंगे ही पांडे जी। एक ये हैं पंकज परमार जिन्होंने बचपन में ही बाप के चांटा मारने पर सोते में उसे चाकू मारकर हमेशा के लिए सुला दिया। और दूसरे ये हैं बंटू भदौरिया जिन्होंने अपनी बूढ़ी माँ से धोखे से अंगूठा लगवा लिया और पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और माँ को छोड़ दिया सड़क पर मरने के लिए। नहीं दिया साहब हमने कुछ भी। हेलो कल्लो बात ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। अब बिना कसम खाए सब सच बता दो नहीं तो ये डेढ़ फीट का देख रहे हो ना ऐसी जगह घुसेड़ूंगा ना हगते बनेगा ना बैठते। तो अब डिसाइड कर लो आगे का मुंह खोलोगे या पीछे का बोलो। साहब हमने कुछ ना करो। सच में साहब विश्वास करो हमारी बात। अब बोलोगे पूरा सच या और खातिरदारी करवानी है? शर्मा जी सर ये ऐसे नहीं मानेंगे। नहीं सर मैं बताता हूँ सब बताता हूँ हम दोनों ने ही मारा उसे। वो धंधा करती थी पहले उसके साथ सेक्स किया फिर उसके बाद मार दिया क्योंकि पैसे ज्यादा मांगने लगी थी सारी धमकी दे रही थी तो ये तो पैसा डबल लगेगा हमने पी रखी थी साहब हमारा दिमाग खराब हुआ हमने मार दिया इसलिए हमने मार दिया उसको साहब। अच्छा तो इसलिए फोन करता था तू उसे पर उस दिन तो तू पूछताछ में बता रहा था कि वो बीमा वाली है तो ये वाला बीमा करती थी वो।
चल मान लिया भदौरिया। ये तो पार्लर वाली लड़की है सर। सर मर्डर से पहले लास्ट कॉल किसी के नंबर से हुआ था। लो कल लो बात इनके नंबर से फोन। पांडे शर्मा वो कॉल इस लड़की ने नहीं इसके लिव इन पार्टनर पंकज ने किया था। क्यों पंकज सही कहा ना मैंने? लास्ट कॉल तूने किया और पूजा को बुलाया कि किसी को शक ना हो। दिमाग है लोंडे में। और ये मोहतरमा इनके साथ बिना शादी के रहती हैं। इन्हें लगा कि पुलिस को पता नहीं चलेगा। अब तू सच बोलेगा कि क्यों मारा या फिर से थर्ड डिग्री लगवाऊं? नहीं सर मैं सब बताता। पहले सिगरेट तो पिलवा दो। शर्मा सिगरेट दो। अच्छा सर मैं और आधा लेवल में रहते हैं सर कि भाई बंटू को 12 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। हाँ साहब इसको क्या बोलते हैं? अले बेटा अले इतना प्यारा बच्चा है। ओ रख दिया ये। तुझे कितनी बार मना किया है बिना बताए किसी के घर जाने के लिए। चल यहाँ से। भाभी उसे डांट क्यों रहे हो? उसे तो मैं लेकर आई थी। वही तो बिना बताए किसी के बच्चे को अपने घर ले आती हूँ। इतना ही शौक है बच्चे खिलाने का तो अपना क्यों नहीं कर लेती? वो तो 12 सालों में हुआ नहीं। अब तो दूसरे बच्चों पे नजर गड़ाई बैठी हो। क्या हुआ रो क्यों रही हो? भाभी ये औरत लड़के गई क्या आपसे? बोलो तो अभी ठीक करती हो। सारी समझती क्या अपने आप को? नहीं नहीं वो लड़ेंगी क्यों? वो तो सच कह के गई है ना। 12 साल से मैंने हर डॉक्टर का इलाज लिया हर मंदिर मस्जिद में चक्कर काटे पर मैं एक औलाद पैदा ना कर पाई। मुझ जैसी अभागन का तो मर जाना ही अच्छा है। पागल है अरे तेरे दुश्मन। बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम एक दूसरे के लिए बहुत है। भाई तूने हर कर्म कर लिए। अब मेरी एक बात मान पंकज के बाबा के पास चल। तेरी हर समस्या का समाधान उन्हीं के पास है। कहाँ है पंकज? वो बाबा के कहने पर अपनी किस्मत आजमाने गया। काहे रे पंकज तू जे बाबा की हड्डी के सहारे हमें ले आओ है तो खजानों कछु मिलेगो के नहीं मिलेगो? काहे भाई चौहान? हाँ दादा सही कह रहे हो। देख तोए तो रिजुआ की उधारी के पैसों से मतलब। अगर खजानों मिलो तोए तो रिजुआ की उधारी के पैसों से कई गुना ज्यादा हिस्सा तेरे में आएंगे। और नहीं मिलो तो तेरी उधारी तो मैं चुकाऊंगा ही। पंकज तोए उधारी तो चुकानी पड़ेगी। अगर जे बाबा के निबुआ मिर्चन ने काम नहीं करो ना तो डबल वसूली होगी। याद है भाई गुस्सा क्यों होता है? नहीं तो मेरी गोली तेई गां।
करेंगे भाई, यही खोदो। मोंटी भाई गाड़ी से भाड़ा लेकर। हाँ दादा अभी लाता हूँ। खोदो भाई। थोड़ा ऊपर खोदो, थोड़ा ऊपर। थोड़ा और खोदो, और खोदो मंटे। और कितना खोदे हैं भोसड़ी के? बस थोड़ा और खोद। भोसड़ी के कितनी खुदवा बस थोड़ा और खोद।